देवी देवताओं के मंदिर में जाके देखना, सब साल उड़ के बैठे होंगे। और शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, बाल्टी भर के पानी तैयार। मैं बाल्टी धरी है, लोटा धरा है। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शंकर जी से कई बार बोलती है, भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले, मैं क्या करूं? तो तुम मना क्यों नहीं करते? राम जी के मंदिर में तो कोई पानी नहीं चढ़ा। हनुमान जी के मंदिर में, किसी देवी देवता के मंदिर में कोई पानी चढ़ाता है क्या? तुम्हारे मंदिर में जो आए लोटा उंडेल के चले जाए। शंकर भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को कुछ नहीं कह सकता। पार्वती जी बोली, तुम्हारे चक्कर में हमारी आफत पड़ी, तुमको चढ़ा के जाए, साथ में हम पे भी उंडेल जाए, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले, एक काम करो, मैं यहां बैठा हूं, तुम थोड़ी ऊंची बैठ जाओ, थोड़े ऊपर। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बताओ पति नीचे बैठा पत्नी ऊपर? शंकर भगवान बोले, लोग यही समझेंगे कि शंकर जैसा दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता, जो भले बेचारा नीचे बैठे पर पत्नी को ऊंचा बिठाए। इसलिए दुनिया की माताएं जब भी व्रत करती है, कुंवारी कन्या जब भी पूजन करती है, उससे पूछो तो एक ही बात कहती है, शंकर जैसा पति चाहिए। कोई नहीं के राम जैसा, क्योंकि वो सत्ता छोड़ के वनवास चले गए। कोई नहीं के कृष्ण जैसा, क्योंकि 16108 को लिया। जो बोले एक ही बात कैसे चाहिए? अरे बोले जमके शंकर जैसा। क्यों? कुछ नहीं बोले, अपनी मस्ती में। और धर्म पत्नी को भी रखे तो हमेशा से ऊंचा, जो आए वो इन पे उंडेल जाए, पर वो जगदम्बा वहीं बैठी हाथ जोड़ के। पार्वती जी बोले, इनके चक्कर में कब तक कपड़ा बदलूंगा? बोले जो आए ना पानी उंडेल जाए, तो हम तो एक साइड अच्छे मैं बैठा। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी आराम से अलमस्ती में बैठे, पार्वती जी साइड में हाथ जोड़ के, यही है। मस्ती में चलाइए। भोलेनाथ शिव कहते हैं कि कैलाश पर भले मत आओ, पर मन को कैलाश, मन पवित्र। गंगा कह रही है, मेरे जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहे तब तक जीव बैकुंठ का निवास कर। और दूसरा वर माता गंगा ने शंकर जी से मांगा, भोलेनाथ मैं दुनिया के लोगों के पाप धो दूंगी, चिंता न। पर भोलेनाथ दुनिया के पाप को अपने जल में धोने के, धोना मतलब बैठाना, वजन। पाप को मैं किसके बल पर ढोऊंगी? इस पाप को मैं कैसे उठाऊंगी? शंकर भगवान बोले, गंगा अनसुईया मैया के पास में तू जा, और अनसुईया जी से विनती कर। इसलिए यहां पर गुप्त गोदावरी गंगा है। कौन सी है? गुप्त गोदावरी गंगा। आप लोग अगर जाएंगे तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी कभी जाएंगे तो देखेंगे, पानी में से जाकर अंदर जाके 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 गंगा जी एक गुप्त गोदावरी एक छोटी सी जल की धार में से गुफा के अंदर से निकल रही है। यहां के बाद फिर वो गुप्त हो जाता है, फिर सीधे राम के चरणारविंद को छूने के लिए नासिक में मिलेगी। यहां के बाद सीधे राम के चरण छूने के लिए वहां मिलेगी। गंगा कह रही है, विनती कर रही है,
शंकर भगवान बोले तू जा और अनसुईया जी से विनती कर। अनसुईया जी का आश्रम है और आंत्री अनसुईया जी के आश्रम में पहुंची है गंगा। गंगा ने जाकर विनती करी, मां अनसुईया जी पति चरणों की सेवा में लीन थी, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करती थी। कभी अनसुईया जी ने दिखावा नहीं करा। आजकल की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पतिव्रता धर्म का भी दिखावा करते हैं, वो दिखावा नहीं करते, उसका मन पवित्र है। होता है, एक दो बहनें पास पास में बैठी थी, एक बहन वो मूसल से धान कूट रही थी, इतने में उसके पति ने आवाज लगा दी, अरे सुनती है प्यास लगी है। उसका मूसल ऊपर की ऊपर छोड़ के वो पानी देने चली गई हवा में, मूसल टंगा। इसने पास में जो बैठी थी इसने हाथ लगा के देखा तो मूसल तो हवा, अब वो आई वापिस, उसने मूसल पकड़ा फिर कूटना चालू कर दिया। तो वो पड़ोसन के लगा कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे, ये आखिर जादू कैसे हो गया। उसने पूछा, अच्छा जी जी ये हवा में कैसे टंग गया। उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने पति की सेवा करती हूं परमेश्वर मानकर, जैसा वो बोलता है वैसी करती हूं, एक आवाज लगा दे मैं दौड़कर चली जाती हूं, उसके लिए ही मैं जीती हूं, उसके चरणारविंद का अनुमोदन करती हूं। तो जो उसको अच्छा लगता है मैं भोजन बनाती हूं, प्रेम भाव से पवाती हूं, तो उसका जो झूठा मिलता है मैं पा लेती हूं, चरण दबाती हूं, चरण धोक लगाती हूं। ऐसा करने से ये हवा में मूसल टंग जाता है। उसने सोचा मैं भी जाके करूंगी। घर गई, पति को आवाज लगाया, अरे सुनते हो। पति वो घबरा के बेचारा, हाँ बोल क्या हो गया। सुनो मैं ना तुम्हारे चरण को प्रणाम करूंगी और फिर तुम सोओगे, जब मैं पांव दबाऊंगी तुम्हें जो अच्छा लगेगा मैं सब भोजन बनाऊंगी, फिर तुमको एक मैजिक दिखाऊंगा। कोई अच्छा जादू दिखाने वाला, ठीक है। पति को लगा ना जाने कान कजन कौन से कन क्या सीख किया, एक मेरे पर विद्या मिद्या कर। पति से पूछा तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है बोलो, आज सिर से पल्लू वल्लू रख के ऐसा बढ़िया बिंदी बिंदी लगा और तुरंत था के धोखा, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। पति ने मन में सोचा शादी के 40 साल हो गए आज तक नहीं पूछा, इस जिंदगी में पहली बार पूछी, अब मन कर पूछ रही है तो बता ही दे क्या क्या अच्छा लगता है। पूड़ी भजिया मंगोड़ा दही बड़ा इमरती कचौड़ी गुलाब जामुन। और पति ने जो लिस्ट खोली इतने में पत्नी बोली, चुप रहो तुम्हारा बाप बनाएगा, मेरे से जितना बनेगा उतना बना दूंगी बस। पति ने मन में सोचा पूछा ही कहा, अंदर गई सब बनाया, पति को जिम ने बिठाया, एक गुलाब जामुन, एक मंगोड़ा, एक पूड़ी, एक रसगुल्ला, एक जलेबी, एक इमरती। और पंखा झेल रही जैसा जैसा पड़ोसन ने बताया था उनसे कि खा ला। और झेलती झेलती बोली, सुनो इसमें से थोड़ा बचा देना। अब पति माथा ठोकरा, एक एक तो धरा, अगर भगवान को दिखाने जैसा करना था तो बनाइए ही खाए। पति जैसे गुलाब जामुन खाने लगा मुंह की साइड लग, पूरा मत खा जाना सोच लेना, बेचारा मुंह पे लगा के मंगोड़ा ऐसा मुंह में टच करा, पूड़ी ऐसी टच करी, क्योंकि खा जाता तो ये इसको खा जाता, इसलिए खाया है। छोड़ अब जितना भी बचा कुचा था उसमें वो डाल के ये खाकू आ गई। और बापड़ा बेचारा सपना में गुलाब जामुन दिख रही, कमरे में जाके सोया, ये आ गई फिर पांव दबाने। अब कभी बाप जमाना में दबाया दबाया तो मचक्का मारे।
अब जैसे पांव दबाए, दबाती दबाती बोली अब सो जा नहीं तो गला दबाऊंगा। वो बेचारा आंख बंद करा, फिर भी आंख खोल खोल के देखे कहीं सही में नहीं दबा दे, इसका क्या ठिकाना है, दबा दबू देवर आप। फिर दबा दबू दे क्या मतलब मारा। अब जैसे दबाए दबाते 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 अब इसने कहा तुम जाओ बाहर घूमने, अब मैं मूसल ऐसा रखूंगी और तुम मुझे आवाज लगाना। अब इसने जैसे की मूसल पकड़ के दोच रही, चार छह बार देख लिया, आया तो है ही नहीं आवाज। उसने बोला था खिड़की में से देख लेना, जब हाथ ऊंचा हो तभी बोल। अब जैसे इसका हाथ ऊपर गया इसने आवाज लगे, अरे सुनती है। अब जैसी आवाज लगे इसने जो मूसल को छोड़ा ने कर्म पे पड़े। खून निकला, पति बोला पट्टी लगा दू ला, पत्नी की आग लग जा तुम्हारी पट्टी में लेकर। देखा देखी में काम बिगड़ गया। कभी किसी की देखा देखी मत करो, अपना जो मन करता है दिल से वो इतना भजन करता है उसके जैसा देखकर हमको भजन नहीं करता, वो इतना पूजन करता है उसके देखकर हमको पूजन नहीं करना, वो ऐसा कीर्तन करता है उसको देखकर हमें कीर्तन नहीं करना, वो ऐसा स्मरण करता है हमको उसको देखकर स्मरण नहीं करना। हमें अपनी मर्जी से उस परमात्मा को पाने के लिए दिखावा नहीं करना, हमको उसको पाने का तरीका ढूंढना। शिव पुराण कहती है बहुत सुंदर चरित्र है महाराज, शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव तांडव पढ़ते हैं, कोई कहता हम गीता जी का ये वाला अध्याय करते हैं, कोई कहता है हम ये वाला पाठ करते हैं। शिव पुराण कहती है किसी पाठ और अनुष्ठान की देवता को प्रसन्न करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी पाठ को नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, पर आप अपने मन से कोई ऐसी स्तुति कभी भगवान के सामने कर दो, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए, ठंड लग रही होगी आपको कुछ ओढ़ा दो, कभी मन करे तो जाकर भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की स्तुति करो, किसी की पढ़ी हुई, किसी की लिखी हुई, किसी की बाती हुई नहीं, अपने दिल से कहो। भेड़ चराने वाला जो वो भेड़ नहीं होती बकरी चराता भेड़ चराता, वो एक भेड़ चराने वाला रोज शाम को भेड़ इकट्ठी करता और सबको शाम को इकट्ठी करके उनकी जू निकालता, जू निकालते निकालते कहता भगवान राम वन में रहते रहते तुम्हारे सिर में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार तुम मिल को मिल जाओ, जैसे ये बकरी की जू निकाल रही हूं सारी तुम्हारी निकाल दू। एक संत निकल के जा रहे थे, संत को क्रोध आ गया, संत ने जाकर एक थप्पड़ मार के कहा बेवकूफ पागल है मूर्ख है अकल नहीं है तेरे में, ये क्या कह रहा है कि भगवान राम को जू पड़ गई होगी, एक बार मिल जाओ सारी जू निकाल दूंगा, ये भगवान को भी जू पड़ दिया, आज के बाद ऐसा बोला तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया बेचारे, तीन दिन तक उसने कुछ नहीं बोला, बकरियों को इकट्ठा करता और बकरियों को एकाग्रित कर कर चुप बैठा रहता, कुछ नहीं कुछ भी नहीं, एक शब्द ना बोले। एक दिन राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा हनुमान जरा पता तो कर कि ये चुप क्यों हो गया ये बकरी चराने वाला। हनुमान जी ने जाकर पूछा भैया तू वो पहले कुछ बोलता था कि राम जी के माथे पे जू पड़ गई आजकल नहीं बोलता, अरे वो एक संत बोल के गए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा बताइए संत गया किधर मुझे बताइए, तो कि इधर ही गया। हनुमान जी गए एक गदा लेके जो संत की पीठ पे दी तो संत तो चित्ता पड़ा। संत ने पूछा कौन, हनुमान जी बोले पीछे मुड़ के देखो, अरे प्रभु आप कैसे आ गए। हनुमान जी बोले फालतू की बात मत कर, वो पहले बकरी वाले के पास जा और बकरी वाले से के जैसा वो बोलता था वैसे बोल। प्रभु वो तो ऐसा बोलता था कि राम जी तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी वन में रहते रहते मैं निकाल दूंगा तुम एक बार मिल जाओ,
राम जी, हनुमान जी बोले, जब जब वो बोलता था सीता राम जी के पास दौड़ के जाके कहती थी कितनी जोरदार बोलता है कि तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी, और सीता जी राम जी का मुकुट हटा के उनके बाल में जू बिनने बैठ जाती थी। आपको मालूम है सीता और राम का प्रेम बढ़ता था इस स्तुति से, उनका प्रेम बढ़ जाता था सीता और राम। जाकर कर से संत दौड़ के गए बकरी वाले से बोले तेरी मर्जी पड़े उतनी जू निकाल। मन की स्तुति से भगवान प्रसन्न होता है। काय की स्तुति से? मन की। किसी की पड़ी हुई स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं। घंटों तक गीता जी लेकर बैठे हो, रामायण जी लेकर बैठे हो, भागवत जी लेकर बैठे हो। मैं तो रोज इतना पाठ करूं, इतनी पूजन करूं, फिर भगवान क्यों नहीं मिलता? भगवान कहते हैं मेरे मिलने का केवल एक तरीका है, तू एक बार मुझे दिल से पुकार। कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद ने पुकारा था, मैं तुझे मिल जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। दिल से पुकार। हमसे लोग कहते हैं महाराज तुम बड़ी अलमस्ती में कथा कहते हो, बड़े हंसी मजाक से, आनंद से। अरे भैया कथा हम तुम्हें थोड़ी ना सुना रहे, वो तो हमारा आगे कल्लू बैठा है, ये बैठा टोपा मोपा लगा। वो करा रहा है, सुन रहा है, अपनी मस्ती में सुन। बहुत वो अभी वो दिल्ली में एक कांड हुआ था, आपको मालूम है, वो अखबार में आया था। एक ही परिवार के 8-10 लोग एक साथ, देखिए देखिए ना जाने वो कौन से गुरु के चक्कर में पड़े। आंख बंद कर लो, देखो ऊपर उठे, उठे गले में रस्सी बांध लो, उठे लटक जाओ, पूरे उड़ गए। सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर, किसी चौखट पर जाकर, किसी भगवान के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कभी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे रिश्तेदार के यहां जाओ, और वहां जाकर जैसे ही वो दरवाजा खोले तुम आंख बंद करके खड़े हो जाओ, तो बहन भी कहेगी अरे आंख तो खोल ले, मैंने दरवाजा खोल दिया, तुम तो आंख ही नहीं खोलो। बहन को बुरा लगेगा कि लगेगा कि मैंने आंख काई के लिए दी है? बोलो जरा, देखने के लिए। अब तुम मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने आए, हजारों रुपए का टिकट करवाया रिजर्वेशन, इतनी दूर से आए, और उसके बाद भी जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में तुम देखना ढेर भीड़, तिरुपति में, नाथद्वारा में, सांवरिया सेठ में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में लाखों की जनता, और जैसे मंदिर में पहुंचे भगवान के सामने, भगवान भी कह रहा हो आंखों के अंधों, मेरे सामने इतना खर्चा कर कर आए हो, एक मिनट मुझसे नींद तो मिला लो, और मेरे सामने आके भी आंख बंद कर ली। तिरुपति में एक बार कथा हुई, तिरुमाला में वल्लभ मठ में, एक हाथीराम मठ में होती है, वल्लभ मठ में कथा थी। हम दर्शन करके बाहर खड़े थे तिरुपति के, और इतने में एक व्यक्ति कोई नया नवेला दर्शन करने आया, वो बाहर आके पूछ रहा क्यों भगवान कहाँ है। हमने कहा तू कहाँ से आया? तो क्या अभी अंदर से तो आया, तो अंदर भगवान नहीं मिला कि वहां तो सोना ही सोना, पूरी अलमारी सोने की, जड़ी जड़ी सब दूर सोना, और एक सामने कुछ हीरा पन्ना चमक रहा था, बस वो हीरा पन्ना जो चमक रहा था वहीं पे जो काला काला सा मुख दिख रहा था कि हाँ एक कुछ दिखा था, सफेद सफेद दिखा था, बस वो ही भगवान। अरे भगवान, जैसे ही लोग बाग हाथ जोड़े ऐसा ऐसा करें, मैंने भी कर लिया, और जैसे हाथ जोड़े आंख बंद करी, और इतने में धक्का मार के भगवान तो मिला ही। भगवान भी कहे इतनी दूर से आया है और नेत्र बंद कर कर बैठ गया। भगवान भी कहे फिर आया काय को, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, इतनी दूर से चल कर आए थे, हजारों रुपए खर्च कर कर आए थे, दो मिनट नहीं बैठे उसके, दो क्षण नहीं बैठे उसके,
एक मिनट उससे बात करने का मौका नहीं मिला। 14 वर्ष के वनवास में राम जी ने 2 वर्ष सबदूर निकाले, बाकी के 12 वर्ष यही निकाले। मेरे राम जी महाराज चित्रकूट की भूमि पर सबसे ज्यादा रहे, यही यही कांकानाथ पर्वत जिस पर राम जी बैठे थे। अभी कथा चल रही है, उसमें चरित्र है, यही राम जी यहां रहते थे। लक्ष्मण जी उसके सामने वाली पहाड़ी पर से पहरा देते थे, भैया भाभी को देखते थे कोई जीव नहीं। 14 वर्ष में से सबसे ज्यादा समय मेरे राम ने यहां निकाला बैठे। कोई पूछ रहे थे राम जी से, संत कहते थे प्रभु आप यहां से नहीं जाना चाहते, राम कहते हैं ये चित्रकूट की धरा मेरा दिल है, मेरा मस्तिष्क मेरा मन है। राम खुद कहते हैं इस भूमि पर से मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, अयोध्या का राजा भी बन गया तो चित्रकूट ही मेरा निवास होगा। अयोध्या में राम राज्य भले स्थापित हो जाए, राम राजा भी बन जाए तो भी राम कहते हैं कि मेरा दिल मेरा मन और मेरा चित्त इस चित्रकूट में जीवन पर्यंत रहेगा। अब विचार करो, शरीर से राम भले जैसे नाथद्वारा में भगवान भले मूर्ति के रूप में विराज रहे पर सोने तो आज भी गोवर्धन जाते हैं, आज भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पलंग लगता है, सेज बिस्ती है, दूध रखाता है, बीड़ा रखाता है सुबेरे जब, आज भी गोवर्धन पर्वत से लेकर नाथद्वारा तक की गुफा है, सुबेरे जब पट खुलते हैं बीड़ा दूध सब ढुला हुआ मिलता है, सेज जो बिछी होती है उस पर सल मिलते हैं, आज भी भगवान सोने आते हैं। उसी तरह चित्रकूट में कांतानाथ पर्वत की कंदराओं में आज भी मेरा राम सीता के साथ निवास करता है। हनुमान और लक्ष्मण कांतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए कहते हैं कांतानाथ की परिक्रमा करने वाले को राम भक्ति, हनुमान का दर्शन और सीता का अखंड सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, अखंडता मिलती है। वो आज भी जाना ही नहीं चाहते हैं। सारे तीर्थों का जल लाए थे राम को राजा बनाने के लिए, यही चित्रकूट में कौन लाए थे? भरत जी। मना कर दिया, मैं नहीं। तो रामचरितमानस में लिखा है हजारों नदियां, हजारों तालाब, हजारों कुंड, हजारों तीर्थ इस पूरे भारत की भूमि पर। भरत जी ने कहा था मेरा भाई राम अयोध्या का राजा बनेगा, इसलिए जहां तहां सारे नलकूप भवन सब दूर से जल लेकर सारे तीर्थों का जल मंगवाया गया। राम जी ने मना कर दिया, मैं राज्य नहीं पाना चाहता, इस जल का क्या करेंगे? तो कहा भरत इसको एक कुएं में डाल दो। आज भी वो भरत कूप जिस कुएं में जल डाला गया है यही चित्रकूट से कुछ दूरी पर है, आज भी आज भी वो भरत कूप है, सारे तीर्थों का जल विराज। एक एक धरा कण कण देखा देखी ना हो चित्त वृत्ति में, अपनी मर्जी से भगवान को कुछ कहो, अपने दिल से भगवान को कुछ कहो और जब अपने मन से दिल से भगवान को कहोगे तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज गंगा क्या चाहती है? मैं ये पाप का बोझ कैसे ढोऊंगी, इस पाप को कम करने के लिए मुझे किसी जो पति को परमेश्वर मानती हो, पति के चरणों का स्मरण करती हो, ऐसी नारी का सौभाग्य का थोड़ा सा अंश दिलवा दीजिए।
शंकर भगवान बोले गंगा अगर किसी सौभाग्यवती का तुझे सौभाग्य का अंश चाहिए तो तू अनसुईया के दरवाजे पर चले जा। गंगा गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में चुपचाप से प्रकट होकर अनसुईया के दरवाजे पर, अनसुईया जी का मंदिर यहां पर जाए दर्शन करिएगा, अनसुईया के दरवाजे पर पहुंच। आज भी माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएंगे तो अनसुईया जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो मंदाकिनी का दर्शन करते हैं, घाट का दर्शन करते हैं, आपको ऐसा सुकून होगा कि वो सुकून, वो आनंद आपको जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हुआ जो चित्रकूट में प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा मत चुपचाप मौन होकर छुपकर गुप्त गोदावरी के रूप में, गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट होकर पहुंच। यही अंतरी बाबा का आश्रम जहां आप दर्शन करने जाएंगे फ्री टाइम पर, वही अंतरी बाबा के आश्रम में गोदावरी गंगा कहती है, निवेदन करती है, गंगा मैया बोलो। अनसुईया जी के पास में जाकर बैठ कर निवेदन करा। अनसुईया जी ने पूछा, गंगा आज तेरा स्वरूप बदला हुआ है। गंगा कहती है, संत के दरवाजे पर जाने के लिए संत जैसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा स्वभाव? संत जैसा। राम की चौखट पर लंका का राजा रावण राक्षस था, कपड़े का एक पहन कर गया था, बोलो जम के संत के। सीता का जब हरण करने गया, हरण करते समय संत का चोला पहनकर रावण गया। महाराज एक राजा बीमार पड़ गया, डॉक्टर वेदों ने कह दिया जो हंस होते ना, हंस के पंख काटकर उसका मांस निकाल दो, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मलो, राजा ठीक हो। तो राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ जाकर हंस को पकड़ो। अब हंस मिलेंगे कहां? तो क्या मान सरोवर पर, किसी सरोवर के घाट पर हंस मिलेंगे। दूत गए, जैसे ही हंस को पकड़ने लगे हंस भाग गए, हाथ में एक भी हंस नहीं आया। दो महीने हो गए, सारे के सारे दूत राजा के पास में आकर बोले हंस हाथ में नहीं आ रहा। राजा ने अपने गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव हंस को कैसे पकड़ा जाए, जाल भी बिछाया, दाने भी डाले गए, पर हंस हाथ में नहीं आया। गुरु ने कहा हंस को पकड़ना है तो संत का चोला पहनना पड़ेगा, क्योंकि हंस हमेशा संत की शरणागति में रहते हैं। द्वारपालों ने संत के चोले को पहनकर एक जगह तप करा, तीन दिन तक जब तप करा, हंस उनके आसपास आने लगे। हंस ने आपस में बात करी, अरे ये तो वही राजा के दूत हैं जो हमको पकड़ने के लिए आए हैं। दूसरा हंस बोला, भले पकड़ने के लिए आए हैं, पकड़ा जाओ, पर चोला संत का पहना है, इसलिए अपने को संत से दूर नहीं जाना है, मर जाएंगे अपन। एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, भले मर जाएं, पर संत के चोले का मान रखना है अपने को। चलो, जैसे ही हंस गए, सारे संत के चोला पहने हुए उन दूतों ने हंसों को पकड़ लिया, राजा के यहां ले जाकर उनको काटने ही वाले थे। इतनी देर में हंस देव स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान का एक अवतार है हंस, हंसदेव भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन दूतों को मारा और कहा, अरे मूर्खों, इन पक्षियों ने संत के चोले का मान रखा, तो जो संत का चोला पहनते हैं उसको तो उस संत के चोले का बहुत मान रखना पड़ता। पर आज के जमाने में तो चोला पहनकर भी लोग मान नहीं रख पाते, मदिरा का पान, व्यसन, झूठ, कपट, ना जाने क्या क्या कर्म आज के लोग उस चोले को पहनकर करते हैं, तो दुख उत्पन्न होता है, तकलीफ होती है।
या तो पहनो ही मैं, कौन ने कहा कि पहनो? और पहना है संत का चोला यदि धारण करा है तो उसकी मर्यादा होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। पक्षी जब मान करते हैं तो मनुष्य क्यों? गंगा कहती है मुझे सात्वित्व का चाहिए, कहा तू रूप बदल, तो गंगा रूप बदलकर गोदावरी के रूप में, तो गोदावरी का जो मूल है वो गंगा ही है, इसलिए इसको नासिक में गंगा कहते हैं। नासिक में क्या कहते हैं इसको? गंगा, गोदावरी गंगा। इसको केवल गोदावरी नहीं कहा जाता, गोदावरी गंगा, ये गोदावरी गंगा है। अनसुईया मैया के दरवाजे पर गोदावरी जी पहुंची, गंगा जी पहुंची, और गंगा गोदावरी ने अनसुईया के दरवाजे पर जैसी पहुंची अनसुईया जी को शब्द सुनाई पड़ा कि गंगा आई। अनसुईया जी बाहर गई, गंगा जी को लेकर वापिस अंदर आई, पधारो। गंगा जी बैठी और गंगा मैया ने निवेदन किया अनसुईया जी से, मेरे आने का कुछ कारण है। अनसुईया जी बोली, बोलो क्या कारण है, कैसे आना हुआ, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? गंगा जी कहती हैं, आपके मात्र 7 दिन का सौभाग्य, जो अखंड सौभाग्य का फल है वो मुझको दे दी। कितने दिन का? 7 दिन। एक अखंड सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली नारी, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली नारी, मेरा आपसे भी निवेदन है, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाइएगा, मेरा आपसे भी निवेदन है कि करवा चौथ का व्रत कर कर आप सोचती हो कि पति की उम्र बढ़ जाए तो शिव महापुराण कहती है बहुत कठिन है। पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है। एक दिन भूखी रह लोगी, भले तुमने एक दिन भूखी रह ली पर 3 दिन पहले से प्राण तो खा गई उसके। ये ला दो वो ला दो, ये ला दो वो ला दो, तो एक दिन भूखे रहने से तुम्हारा पति की उम्र नहीं बढ़ने वाली। पति की उम्र कब बढ़ती है? जब पत्नी प्रेम से बोलती है। पत्नी जब भी पति कहीं से आया गया और ऐसी धाड़ के बोलेगी, इतना तेज तर्राट में ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, पति की उम्र बेचारे का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो जाता उसी पल। तो ईमानदारी से बोलो, ये जो बीपी शुगर ऊंचा नीचा होता है तो इससे उम्र बढ़ती है कि घटती? बोलो तो रे, घटती है। और जब तुम प्रेम से बोलोगी ना, बहुत प्रेम से, तो पति भगवान से कहेगा, प्रभु मुझे 2-4 साल की और उम्र बढ़ा देना, इसके साथ रहूं तो मेरी जिंदगी अच्छी निकल। कहते हैं सफर अच्छा है, मना नहीं, बहुत अच्छा सफर हो, पर सफर से ज्यादा हम सफर अच्छा, सफर से ज्यादा हम सफर। तुम भी सफर करके आई हो, मालूम पड़े ट्रेन में दिन भर झगड़ा, जरा सा अटैची के पीछे सामान, तुम्हारे साथ में भी सफर में ऐसा। हमारा बैग यहाँ रखा था, तुमने क्यों उठाया? सफर तो अच्छा हुआ, टिकट भी क्लियर मिल गया, सब कुछ हो गया, सीट भी मिल गई, पर जो आजू बाजू वाले मिले थे, हम सफर जो मिला था वो बिल्कुल भेरू जैसा मिल गया, सिंदूर चढ़ा हुआ तो मालूम पड़े जरा सा पानी गिरा, जरा सा बैग नीचे रखा, जरा सा ऐसा हुआ और मुंह चढ़ा ऐसा करे, पूरा सफर टिकट तुम्हारा था, पैसे तुम्हारे लगे, आ रही थी चित्रकूट, पर वो जब से ट्रेन में चढ़ी और जब से एक बार की खटर पटर हुई तो चित्रकूट तक आनंद नहीं आया। और ऊपर से वहां पहुंची तो कमरे में 5-6 फिर मिल गए, बच्चे कुछ थे, अब चिंता लगी,
पलंग दो जनी काहे है पांच, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब देख सफर अच्छा हो मना नहीं है, पर हम सफर और अच्छा होना चाहिए। जिसके साथ तुम सफर करने जा रहे हो, जिसके साथ आप तीर्थ करने जा रहे हो, जिसके साथ आप भगवत भजन करने जा रहे हो, जिसके साथ आप आपकी जिंदगी निकालने जा रहे हो, वो आपके अनुकूल होना चाहिए। आपके मैंने हड़िया जी से बोला, हड़िया जी तुम्हारे ग्रुप में 65 लोग आए हुए हैं, 61, 62, 65 ऐसे कुछ है उनका, तो 65 लोग आए हुए हैं, पर सभी के चेहरे पर स्माइल है सबका। इतनी दूर गायत्री शक्तिपीठ इनको मिला है, यहाँ से सबसे दूर वाला भवन इन्हीं को प्राप्त हुआ, उसके बाद भी किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है। तो हड़िया जी बोलते हैं महाराज ये सब जितने भी है ना पूरा एक परिवार जैसे चलते हैं, और परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, कोई तेज भी हो कोई नरम भी हो, पर संगत का जब असर होता है सब ऐसे सत्संग करते हैं, ऐसा आनंद लेते हैं कि अपना परिवार घर सब भूल कर एक मस्ती में डूब, एक मस्ती। और ये प्रैक्टिकल है, तुम्हारे जो जो युवान माताएं आई हैं, जो बहुएं आई हैं, उनसे निवेदन है एक कमरे में तुमको 5 लोगों को इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम निभाओ, कि जब तुम ये 4 को नहीं निभा पा रही तो बहू को कैसे निभाओगे। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल, एग्जाम में पास होना था। भगवत चित्त हो इस मन में, मुझे आज वो उज्जैन की एक कथा याद आ गई, चौरासी महादेव की, चौथे दिन यात्रा समापन होना थी और उसी दिन यात्रा लंबी थी, और एक जगह वो पूड़ी बनवाई, याद आई, और एक जगह वो पूड़ी बनवाई, समिति वालों ने बनवाई इधर थी, उसके बाजू में स्कूल था सरकारी, सरकारी स्कूल में वो दिन का भोजन उसमें बने थे आंगनबाड़ी के पराठे, मिलना थी यहां पूड़ी, पहुंच गई मां पराठा। तो कुछ माताएं पराठा खा रही थी तो हमने पूछ लिया ये पराठे कहां से आए, तो कि वहां मिल तो रहे, तो हमने जाकर देखा तो हमने तो कहा हमने मेथी की पूरी बनवाई थी तो पराठा कहां से आया रे, तो वहां तो कोई ने नहीं बताया। फिर बाजू में गए तो वहां पर वो छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी का भोजन मिल रहा था, तब मालूम पड़ा कि वो आंगनबाड़ी का पराठा खा गए। राम भला करे, ये उसी में कहा लोगे जैसे एक जगह की बारात, हमारे चियोर में एक जन की बारात आई राम, और हमारे चियोर की क्या क्या हो रहे पर बोल दो, और चियोर में बारात आई वर्मा जी की, अब बारात आई तो वर्मा जी के एक मकान ऊपर का मकान था हमारे पास वाले का, उनने खाली करके दे दिया, खाली करके दिया, उसमें बस 2 सोफे रख दिया। अब बारात वापिस गई तो वहीं जो दहेज में सामान मिला था वो उन्हीं के कमरे में रखा था, मालूम पड़े वो वर्मा जी के भी सोफे ले गए, खुद के तो लेगा बरात वर्मा के लिए। वर्मा जी ने कसम खाली की आज के कभी नहीं बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा, गंगा गुप्त गोदावरी के रूप में यहां प्रकट, और गोदावरी के रूप में प्रकट होकर गंगा अनसुईया जी के द्वार पर पहुंची। मां अनसुईया से कहती है मुझे 7 दिन का सातित्व चाहिए, कितने दिन का, एक अखंडता का व्रत धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली, चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने वाली,
मुझे केवल 7 दिन का सातित्व दे। पूछा अनसुईया जी, तुम इस सातित्व का करोगी क्या? गंगा जी कहती हैं, अगर मुझे ये 7 दिन का सातित्व मिल गया तो ये पक्का है मेरे जल में जितने भी पापी स्नान कर कर जाएंगे उसके पाप से मैं 7 दिन के सातित्व के फल से मुक्त होती चली जाऊंगी। गंगा का जल दो चीजें देता है, देता तो बहुत सी है चीजें, पर गंगा का जल दो चीजें देता है। क्या क्या? एक सौभाग्यवती नारी का अखंड सौभाग्य, इसलिए सुहागन नारी का सुहाग प्रखर हो, अखंड हो, इसलिए गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते भले कितने दिन भी भर के रखे हो, क्योंकि नारी का सौभाग्य अमर रहे, वो कभी सड़े नहीं, बेकार ना हो, खंडित ना हो, इसलिए गंगा का जल अखंड है। नारी का सौभाग्य प्रखर करता है गंगा का जल, गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, गंगा का पान, और दूसरा गंगा का जल भक्ति प्रदान करता है। क्या देता है? भक्ति। गंगा के घाट पर आप कभी भी पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप गुप्त गोदावरी जाओ ना, अगर गए होगे तो हो आए होगे, नहीं होके आए होगे तो जब जाओ गुप्त गोदावरी का दर्शन करने के लिए, तो गोदावरी का जब दर्शन करने के लिए आप गुफा में प्रवेश करेंगे, जल आपके शरीर पर जब लगेगा, आप अंदर जाते जाएंगे, मन का आनंद प्रफुल्लित होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का जल हमारे शरीर पर जब लगता है तो भक्ति का प्रतिबिंब प्रखर करता चले जाएगा, भक्ति की प्रखर का प्रधान। इसलिए लोग भाव में कहते हैं, गंगा मैया में जब तक पानी, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरे जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा
दीवानी रहे हो जिंदगानी रहे मैया वो गंगा मैया मैया वो गंगा मैया ओ मैया गंगा मैया के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे हो जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया बस बहुत 7 दिन बहुत बहुत 7 दिन का साथी इतने में मैं पापियों को तार